दोस्तों, आप रोहित शर्मा और युवराज सिंह में से किसके फैन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि युवराज सिंह के साथ उनकी पहली मुलाकात उतनी अच्छी नहीं रही थी। दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगा, इसके बाद ही उनके बीच अच्छी बातचीत शुरू हो पाई। ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के शो में रोहित शर्मा ने कहा कि जब पहली बार मुझे टीम के खिलाड़ियों के साथ टीम बस में बैठना था तो मैं एक घंटे पहले ही वहां पर पहुंच गया। इसके बाद मैं उनका इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सभी खिलाड़ी आने लगे, लेकिन युवराज सिंह अलग ही अंदाज में लग रहे थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था और उन्होंने अपने खास अंदाज में बस में प्रवेश किया। रोहित शर्मा ने कहा कि जब मैं बस में बैठा तब युवराज सिंह आए और मुझसे कहा कि क्या आपको पता है कि ये किसकी सीट है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं बैठता हूँ, आप दूसरी सीट पर चले जाए। वहीं रोहित शर्मा ने यह भी बताया कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिलने के बाद जब मैंने युवराज सिंह को बधाई दो, उन्होंने बस थैंक यू कहा और कुछ नहीं बोला। रोहित ने बताया कि जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंद पर 6 छक्के मारे तब उनके बीच अच्छी बातचीत हुई और दोनों ने साथ में खाना भी खाया। रोहित शर्मा ने सीधे सीधे तौर पर युवराज सिंह को घमंडी इंसान बता दिया। रोहित शर्मा ने कहा युवराज के बारे में कहा कि युवी पहले सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करता था। गौरतलब है रोहित शर्मा और युवराज सिंह दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका रिश्ते में युवराज सिंह की बहन लगती हैं। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर हाल ही में खूब चर्चा हुई थी।